हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। कल हमने एनालॉगी टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह एकदम अच्छी वीडियोस मिलते रहे और अपडेट्स, जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहे। तो आज हम चालू करने वाले जो टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, हमें चार दिए होते हैं क्वेश्चन में, मतलब चार ऑप्शंस दिए होते हैं, और हमें इसमें से, इसको हम अगर बचपन में पढ़ते थे तो ऑड वन आउट के नाम से पढ़ते थे, कि चारों में से जो सबसे अलग है वो आंसर होगा। अब बात ये आती है, कभी भी इन क्वेश्चंस में ये मत ढूंढा करो कौन सबसे अलग है, वो तीन ऑप्शंस ढूंढा करो जो हमें सेम दिख रहे हैं। जब हम तीन सेम ऑप्शंस को ढूंढ लेते हैं तो गलत, जो अलग है, जो अलग से दिख रहा है ऑप्शन, वो अपने आप बाहर निकल जाता है। तो जो एक जैसे हैं उसको हम ढूंढेंगे तो अपने आप फोर्थ ऑड वन आउट निकल जाता है। सबको ये बात समझ में आई? अब जैसे हमने एनालॉगी में देखा था, वैसे क्लासिफिकेशन में भी कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं? तीन पैटर्न्स बनते हैं। अगर हम बात करें वर्ड शब्द पर आधारित, हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। दूसरी चीज़ अल्फ़ाबेट मतलब वर्ण पर आधारित हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं अंक, तो अंक पर आधारित भी क्या करते हैं, हम वर्गीकरण करते हैं। तो इन तीनों पे करते हैं, और ये भी एक बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें भी हमें थोड़ा सा क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो पता है तो हम इजीली पता कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड वाले पे, जब हम शब्द पर आधारित वर्गीकरण का करते हैं। वर्ड बेस पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें गैंगटॉक, दूसरा इसका दिया हुआ है हैदराबाद, तीसरा दिया हुआ है औरंगाबाद, और चौथा दिया है चेन्नई। तो इसमें पूछा हुआ है क्या ऑड वन आउट है। तो हमें सबको पता है जो ये गैंगटॉक है, ये क्या है, किसी का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? सिक्किम का। हैदराबाद जो है ये भी किसी की कैपिटल है। किसकी? तेलंगाना की। चेन्नई जो है ये भी किसी की कैपिटल है। किसकी? तमिलनाडु की। लेकिन औरंगाबाद किसी की कैपिटल नहीं है। तो इसमें सबसे अलग हमें क्या दिख गया, औरंगाबाद दिख गया। समझ में आया आपको ये वाला? इसी का सेकेंड क्वेश्चन बोट नौका, दूसरा याच, तीसरा सबमरीन, पनडुब्बी, और चौथा जहाज, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिप। अब बताना है इसमें से हमें ऑड वन आउट देखना है। अब हमें ये चीज़ दिख रही है, जो बोट होती है वो पानी के सरफेस के ऊपर चलती है, पानी के ऊपर चलती है। याच जो होता है ये भी पानी के ऊपर चलता है। शिप होती है वो भी पानी के ऊपर चलती है। तो हमने देखा जो ये सब मैरीन है ये क्या करती है, पानी के अंदर चलती है। तो हमारा जो अलग से ऑड वन आउट हुआ वो क्या हो गया, सबमरीन। सबको ये बात समझ में आई? तो जो भी अलग है उसको हमें बाहर निकालना होता है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो उसमें दिया हुआ है सर्कल, फिर
ट्राइंगल, सर्कल को हम बोलते हैं वृत्त, ट्राइंगल को हम बोलते हैं त्रिभुज, तीसरा दिया हुआ है स्केच, स्केच मतलब रेखा चित्र, और चौथा है आयत, और आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो उसने बोला है कौन सा ऑड वन आउट है। अब हमें दिख रहा है सर्कल जो है, वृत्त जो है वो एक क्या है, शेप है। उसी तरह त्रिभुज जो है वो भी क्या है, एक शेप है। रेक्टेंगल, आयत, आयत वो भी क्या है, एक शेप है। तो हमने देखा जो ये स्केच है वो एक शेप नहीं है। हम जब कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसको हम रेखा चित्र बोलते हैं, इसमें सारे शेप्स आते हैं। जब हम बताते हैं तो शेप्स का यूज़ करके हम रेखा चित्र बनाते हैं, और ये सब क्या है, शेप्स है। तो ऑड वन आउट हमारा क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। उसी के बाद फोर्थ हम बात करते हैं डायमंड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टंगस्टन, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर। कॉपर को क्या बोलते हैं हम, तांबा। एल्यूमिनियम को हिंदी में भी हम एल्यूमिनियम बोलते हैं, टंगस्टन को हिंदी में भी टंगस्टन बोलते हैं, और डायमंड को क्या बोलते हैं हम, हीरा। बोला गया है इन चारों में से बताओ क्या चीज़ अलग है। तो हमने देखा एल्यूमिनियम जो है वो हमारा क्या है, मेटल है। टंगस्टन जो है वो हमारा क्या है, मेटल है। कॉपर जो है वो हमारा मेटल है, मतलब धातु है। तो जो हमारा नॉन मेटल है वो क्या है, डायमंड, जिसको क्या बोलेंगे हम, हीरा। तो हीरा जो है वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है। ये बात सबको समझ में आई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे शब्द पर आधारित आते हैं। इसमें हमें शब्द का देख के वर्गीकरण करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ चार चीज़ें आ जाती है, और उन चार चीज़ों में से हमें एक ऑड चीज़ का पता करना होता है। ये बात समझ को सबको समझ में आई। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ हमें एक जैसी दिख रही है उसको रख लो, और जो अलग से वो अपने आप क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अब इसमें जो दूसरी हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट बेसिस पे, जब हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट, वर्ण पर आधारित क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए कैसे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे इसका वर्गीकरण करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एम एन आर, दूसरा दिया हुआ है ए बी एफ, तीसरा दिया हुआ है आई जे एन, और चौथा दिया हुआ है F G L। इस तरह से इसमें दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं इसमें क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको रीड करना चालू करो M N सीक्वेंस में। अब R पे जाने के लिए O का गैप आ रहा है, P का गैप आ रहा है, Q का, मतलब तीन का गैप आ रहा है। उसी तरह हम आगे चेक करते हैं A B सीक्वेंस में, C D E कितने का गैप आ रहा है, तीन का गैप आ रहा है, I J कितने का गैप आ रहा है, के एल एम। हमने देखा तीनों में क्या आ रहे हैं, सेम गैप आ रहे हैं। चौथा एफ जी गैप कितने का आ रहा है, एच आई जे के, मतलब यहाँ पे चार का गैप आ गया, मतलब सब में तीन, ये चार, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला। सबको समझ में आया। उसी तरह इसमें एक दूसरा क्वेश्चन आता है टी एस पी ओ एफ जी एक्स डब्लू, ये हमारा ऑप्शन होता है। अब हम देखते हैं एस टी, ये हमें इस ऑर्डर में दिख रहा है, पी क्यू आर, एस टी ओ पी, ये भी हमें इस ऑर्डर में दिख रहा है। अब हमने देखा ई एफ जी आता है, तो ये हमें इस ऑर्डर में दिख रहा है, और डब्ल्यू एक्स ये हमें वापस इस ऑर्डर में दिख रहा है। तो जो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। सबको समझ में आया। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन ये होता है, उसने दिया हुआ है सी बी सी डी, दूसरा उसने दिया हुआ है आई एच आई जे, तीसरा दिया है ओ एन
ओ पी और चौथा दिया हुआ है यू टी यू डब्ल्यू, ये उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम बी से कहाँ जा रहे हैं, सी, और सी से कहाँ जा रहे हैं, डी जा रहे हैं। उसी तरह एच से आई और आई से जे, उसी तरह एन से ओ, ओ से पी, टी से यू डायरेक्ट जा रहे हैं, लेकिन हम यू से डब्ल्यू जाते हैं तो एक का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, और वो गैप काहे का है, वी का। इसका मतलब ये हमारा अलग हो गया, बाकी सब में गैप आ रहे हैं क्या, नहीं, बाकी सब डायरेक्ट आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक का गैप आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। अब हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें उसने दिया है ए पहला, बी सी डी ई, दूसरा दिया हुआ है आई एफ जी एच ओ, तीसरा दिया हुआ है ए पी क्यू आर एल, और फोर्थ वाला दिया हुआ है यू एल एम एन ई। अब बताना है हमें इसका वर्गीकरण करना है, निकालना है इन चारों में से कौन सा अलग है। हमने देखा, अगर सब लोग नोटिस कर रहे हैं, इसके पहले में भी क्या है, वोवल, इसके आखिरी में भी क्या है, वोवल, इसके पहले में क्या है, वोवल, इसके आखिरी में क्या है, वोवल, इसके पहले में क्या है, वोवल, लेकिन इसके आखिरी में क्या है, कॉन्सोनेंट। सबको दिख रहा है, उसी तरह इसके पहले वोवल, इसके आखिरी में वोवल, तो कॉन्सोनेंट हमने देखा थर्ड ऑप्शन के एंड में आ रहा है, बाकी सब चालू भी वोवल से हो रहे हैं और एंड भी वोवल से हो रहे हैं, तो हमारा थर्ड वाला क्या हो गया, अलग बाहर निकल गया। सबको ये बात समझ में आई, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं और ये एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है, कोई सी भी बुक उठाओ और उस पर प्रैक्टिस कर लो तो सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे, सिर्फ हमें एक बार रीड करके देखना होता है। अधिकतर क्वेश्चंस गैप के डिफरेंस से आते हैं या पैटर्न को कुछ इंटरचेंज कर दिया गया था। इसी तरह अब हम बात करेंगे नंबर्स से हम कैसे करते हैं, जब हम बात करते हैं नंबर का क्लासिफिकेशन तो हम नंबर्स का यूज़ करके कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, नंबर्स मतलब अंक का कैसे हम वर्गीकरण करते हैं, किसका यूज़ करके, नंबर्स का यूज़ करके। तो हम बात करते हैं नंबर्स अंक का यूज करके कैसे वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला पूछा गया है 71, 87, 59, 73, ये हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो पूछता है निकालो इसमें से कौन सा लगे, सबको ध्यान से दिख रहे हैं सारे क्या है, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स है तो मतलब ये टू से तो डिवाइड हो नहीं रहोगे, सबको पता है। अब हम देखते हैं अगर मैं 7 + 1 = 8 कर दूँ, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबको पता है क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में जैसे 73, इसको चेक करना है मेरे को ये 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं, 3 से डिवाइड कर पा रहे, कैसे चेक करेंगे, 7 में हम प्लस 3 करेंगे, जो भी सम आएगा अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये इससे क्या है, डिविजिबल है। अब मैं बात करते हूँ 8 + 7 होता है 15, अब क्या ये 15 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये हमने देखा नहीं हो रहा है। 9 + 5 कितना होगा, 14, क्या 14 हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हमने देखा 87 ही एक ऐसा इसमें नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी सब नहीं हो रहे हैं, तो ये अलग से निकल गया। इसी में दूसरा उसने दिया हुआ है 49, 64, 16 और चौथा दिया हुआ है 25। अब हमने देखा ये हमको सबके स्क्वायर दिख रहे हैं, 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। अब बात ये है सबका स्क्वायर है तो ऑड क्या होगा, हम देखते हैं जब मैं 4 का क्यूब करती हूँ तब भी मेरे को क्या मिलता है, 64 मिलता है, और 8 का स्क्वायर करने पर भी 64 मिलता है, बाकी ऐसे कोई नंबर नहीं है जिसका हमें क्यूब करें तो हमें 16, 25 या 49 मिले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम पैटर्न नहीं गेस कर पाते हैं कैसे लगे, तो कैसे लगे, 4 का क्यूब भी 64 होता है और 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, अलग पैटर्न हो गया। अब इसी में तीसरा उसने बोला गया है 47,
57, 67 और 37। जब भी हमें ऐसे ऑड में नंबर्स मिले तो ध्यान रखना उसमें प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब मैं अगर इसमें बात करूं 47 जो होता है ये हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 67 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो वन की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। 37 भी प्राइम नंबर है, लेकिन जो हमारा 57 है वो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। सबको समझ में आया, 57 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो ये हमारा अलग से बाहर निकल गया। ये बात समझ में आई। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो ये है, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसमें एक दिया हुआ है, 2, 9, 3, 6। दूसरा दिया हुआ है 3, 8, 6, 4। तीसरा दिया हुआ है 6, 3, 9, 4 और चौथा दिया हुआ है 4, 6, 3, 8। देखना ये कैसे होगा, अगर मैं 9 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, 18। उसी तरह 6 × 3 करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 18। मतलब दोनों से मुझे 18 मिल रहा है। 8 × 3 मैंने देखा 24 होता है और 6 × 4 में मुझे क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है। 6 × 3 मैंने देखा 18 मिल रहा है, 9 × 4 मुझे मिल रहा है 36, 6 × 4 मुझे 24 मिल रहा है, 8 × 3 = 24 मिल रहा है। मैंने देखा जब मैं फर्स्ट और सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई कर रही हूँ और थर्ड और फोर्थ का आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दोनों के प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। जब मैं दोनों का गुना कर रही हूँ तो मुझे नंबर्स यहाँ पे सेम कर रहे हैं, लेकिन थर्ड केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 18 मिलना चाहिए लेकिन क्या मिल रहा है, 36। तो मेरा कौन सा ऑड वन आउट हो गया, ये वाला मेरा ऑड हो गया। तो ये बात ध्यान रखें, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी क्लासिफिकेशन सब इंटरलिंक्ड टॉपिक्स है। जब आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक्स आपसे ईजिली बनने लग जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का टॉपिक था। कोई सी भी आप एक बुक उठाएं और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी और ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन तीनों सीक्वेंस से प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चंस ईजिली बन जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं एग्जाम के बेसिस पे। आई होप आपको सारे लेक्चर्स अच्छे लगे हों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें कुछ डाउट होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।